आईपीएल 2024 अपने अंतिम दौर में है, लेकिन अंतिम दौर में भी अभी तक प्लेऑफ की रेस क्लियर नहीं हुई है। कौन सी वो चार टीमें हैं जो प्लेऑफ खेलेंगी, यहां पर अंतिम जो मुकाबला होना है 18 मई को, उसका हम सबको इंतजार है, क्योंकि वही मुकाबला है आईपीएल 2024 का महामुकाबला। जी हां, जिसे क्वार्टर फाइनल भी बताया जा रहा है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी एक दूसरे की शक्ति परीक्षण करेंगी और एक दूसरे को पटकने देकर के क्वालिफायर में अपना स्थान पक्का करने के लिए उतरेंगी। लेकिन हम लोगों के इस इंतजार में शायद खलल पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोगों को उम्मीद है एक महामुकाबले की, लेकिन यहां बेंगलुरु का जो वेदर प्रेडिक्शन आया है वो चिंता का सबब है, ना सिर्फ फैंस के लिए बल्कि आरसीबी के लिए तो और भी बड़ा चिंता का सबब है, क्योंकि जैसा कि भविष्यवाणी की गई है यहां पर मौसम की, उसके हिसाब से 18 तारीख को बेंगलुरु में होने वाली है जोरदार बारिश, और शाम के समय स्पेशली जबकि यह मैच खेला जाना है तब स्पेशली बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय बन सकता है आरसीबी के लिए, फैंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, कि इस मैच को कैसे कराया जाए। तो यहां पर एक रास्ता ये निकाला गया है कि अगर 20-20 ओवर का मैच संभव नहीं हो सका तो भी मैच होगा। मैच कैसे होगा, मैच को कम ओवर का कराया जाएगा और मैच 5-5 ओवर का भी कराया जा सकता है। जी हाँ, 20 के बजाय सिर्फ 5-5 ओवर का मैच कराया जा सकता है। तो फिर ऐसे में आरसीबी के लिए बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 20-20 ओवर के बारे में तो हम सबको पता है कि कौन सी वो कंडीशन है जहां पर आरसीबी प्लेऑफ का टिकट पा सकती है। 20 ओवर में तो आरसीबी को चेन्नई सुपर किंग को या तो 18 रन से हराना है या फिर चेज करते हुए 18.1 ओवर में हराना है। लेकिन अगर 5 ओवर का मैच होता है तो फिर आरसीबी को कितने रन, कितने ओवर, कितने विकेट से ये मैच जीतना होगा कि वो प्लेऑफ में पहुंच जाए। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आरसीबी का 5-5 ओवर के इस मैच में भला कौन से समीकरण हैं जिनको पूरा करते ही आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच सकती है। तो बने रहिए इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि सफलता नाम आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, ताकि आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसी सारी की सारी खबरें लगातार मिलती रहे। तो कर दे आज के वीडियो का शुभारंभ। तो भाई, जैसा कि हम सबको पता है कि आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग के बीच एक महामुकाबला होना है 18 मई को, जिसमें कि दोनों ही टीमों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। यहां पर प्लेऑफ का टिकट मिलेगा जीतने वाली टीम को, लेकिन यहां पर आरसीबी थोड़ी बैकफुट पर है और चेन्नई वाले थोड़े से फ्रंट फुट पर है। क्यों? क्योंकि यहां पर चेन्नई 14 अंकों के साथ आएगी और आरसीबी सिर्फ 12 अंकों के साथ आ रही है। यहां बात करें चेन्नई सुपर किंग की, तो यहां चेन्नई सुपर किंग को सिर्फ एक जीत चाहिए, लेकिन जैसा कि अभी मौसम की भविष्यवाणी आई है कि यहां बारिश भी हो सकती है, ऐसे में चेन्नई सुपर किंग वाले तो यहां पर खुश नजर आ रहे होंगे, लेकिन आरसीबी की चिंता बढ़ गई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चेन्नई सुपर किंग तो ये भी सोच सकती है कि ये मैच रद्द हो जाए। ये मैच रद्द होते ही, यानी अगर ये मैच नहीं भी हुआ तो भी चेन्नई सुपर किंग वाले पहुंच जाएंगे प्ले ऑफ में, क्योंकि उनके अंक अभी भी ज्यादा है। लेकिन आरसीबी वाले कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ये मैच रद्द हो, क्योंकि उनके लिए जीत और एक बड़ी जीत ही एकमात्र विकल्प है। अगर ये मैच पूरा 20-20 ओवर का होता है तो यहां पर आरसीबी वालों को कम से कम 18 रन की जीत चाहिए, और अगर वो बाद में खेलते हैं चेज करते हैं तो उन्हें 18.1 ओवर में चेज करके दिखाना होगा, तब जाकर के उनका प्ले ऑफ का टिकट पक्का होगा। लेकिन चेन्नई सुपर किंग वाले बड़े एडवांटेज में हैं, उन्हें किसी भी अंतर से जीत चल जाएगी, यहां तक कि मैच रद्द भी हो जाए तब भी जीत चल जाएगी, एक एक अंक बट जाएगा तब भी जीत चल जाएगी। यहां पर चेन्नई सुपर किंग वाले एडवांटेज में तो हैं, लेकिन एक नया रास्ता निकाला गया है चेन्नई सुपर किंग को यहां पर एक और अवसर देने का कि मैच 20-20 ओवर का ना करके अगर हम 5-5 ओवर का कर दे तो हो भी सकता है कि चेन्नई सुपर किंग वालों को आरसीबी हरा करके पहुंच जाए प्लेऑफ में। लेकिन अगर 5-5 ओवर का ही मैच होता है तो भला वो कौन सा अंतर है, वो कौन सा डिफरेंस है जिसको आरसीबी को अचीव करना होगा प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। तो यहां पर आरसीबी वालों के लिए एक बहुत ही ज्यादा अग्नि परीक्षा जैसा होगा अगर 5-5 ओवर का ही मैच होता है, क्योंकि अगर यहां पर आरसीबी पहले खेलती तो उनको 5 ओवर में कम से कम 100 रन बनाने पड़ेंगे, 100 नहीं तो कम से कम 90 तो रन बनाने ही पड़ेंगे, और फिर चेन्नई सुपर किंग वालों को 50-60 पर उन्हें ऑल आउट करना पड़ेगा। एक बहुत ही ज्यादा टफ कंडीशन है। अगर यहां पर आरसीबी वाले बाद में खेलते हैं, मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग वालों ने पहले 5 ओवर में खेलते हुए 70-80 रन बना दिए, तो ये रन आरसीबी वालों को 3-3.5 ओवर में ही चेज करने पड़ेंगे, यानी कंडीशन अब और ज्यादा टफ होने वाली है आरसीबी के लिए। तो जो आरसीबी फैंस हैं एकदम से खुश हो गए थे, उनके लिए ये बारिश की भविष्यवाणी थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है। तो ऐसे में हम क्रिकेट प्रशंसक, आरसीबी के प्रशंसक तो सब यही चाहेंगे कि बारिश ना हो, मैच पूरा का पूरा 20 ओवर का हो, ताकि हमें एक महामुकाबला देखने को मिले, फिर जीते कोई भी टीम। आप लोगों की क्या इच्छा है, आप लोगों के क्या विचार है, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।